नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा के बाद गुजरात की अदालत के एक और जज काफी चर्चा में आ गए हैं। नाम है जयेश भाई चौवटिया और इन्होंने जो समन जारी किया है वो भी मानहानि के मामले में ही जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ व्यक्ति राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की तो सांसदी चली गई है। और जो नया मामला है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। विवाद के केंद्र में जो मुख्य वजह बनी है इस बार भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। सबसे पहले राहुल गांधी तो मोदी सरनेम केस में गए, यहां अरविंद केजरीवाल को नोटिस मोदी जी की डिग्री को लेकर भेजा गया है। क्योंकि नोटिस 15 अप्रैल को ही जारी किया गया था और 23 मई को उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया था। उस नोटिस में कुछ भी क्लियर नहीं था, तो इस बार फिर से जयेश भाई चौवटिया ने इन्हें नोटिस जारी किया है। इसमें आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स, खास करके अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का नाम है। वो भी ऐसे वक्त में यह नाम आया है कि मानहानि का मामला बनाया गया है, नरेंद्र मोदी की डिग्री मांग लेने की वजह से गुजरात की यूनिवर्सिटी आहत महसूस कर रही है, इस वजह से इन लोगों को पेश होना पड़ेगा। इसे आप ऐसे समझिए, जिस तरीके से राहुल गांधी की सांसदी चली गई, क्या ठीक उसी तरीके से अब इस विवाद में जिला की अदालतें अरविंद केजरीवाल की विधायकी खत्म करेंगी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की सांसदी छीन लेगी? क्या कुछ ऐसी योजना बन रही है क्या? ये लोग चर्चा करने लगे हैं। और जज साहब इस वक्त जयेश भाई चौवटिया हैं। हरीश भाई ने तो अपना काम किया, उन्होंने राहुल गांधी को दोषी माना। अब क्या ये भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दोषी मान सकते हैं? अदालत में जब सुनवाई होगी तो क्या यह भी हो सकता है? लेकिन यह बेहद दुखद है कि अब सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं करती है। मोदी जी के खिलाफ की गई टिप्पणी इतनी भारी पड़ने लगी है विपक्ष के नेताओं को कि एक झटके में उनके सांसदी और विधायकी चली जा रही है। दूसरी तरफ ऐसे ही मामले में धाकड़ वकील कपिल सिब्बल ने भी अमित शाह को आईना दिखाया है और तमाम बीजेपी के लोगों को, मोदी सरकार को भी आईना दिखाया है कि प्रधानमंत्री का अगर इंसल्ट होता है तो प्रधानमंत्री देश नहीं है, वह देश का इंसल्ट नहीं माना जाएगा। क्योंकि अमित शाह ने कहा कि अगर कोई पीएम का अपमान करता है तो वह देश का भी इंसल्ट माना जाएगा। ऐसे में कपिल सिब्बल की बातों को आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ बेहद ही गंभीर बात है जिस खबर पर अभी हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। क्योंकि इन दिनों मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप तो अरविंद केजरीवाल ने यही लगाया कि दिल्ली में उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था, हमने 8-9 साल लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट से धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके हक में फैसला दिलवाया कि दिल्ली का असली बॉस चुनी हुई सरकार ही होंगे। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ताकत तो मिली, लेकिन एक ही सप्ताह बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर अरविंद केजरीवाल की ताकतों को छीन लिया, वो भी समय देखकर कि कोर्ट में गर्मी छुट्टी होने जा रही है। तो ठीक उससे पहले वाली रात को यह अध्यादेश ला दिया गया, जिसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक अदालत खुलने के बाद ही रिव्यू के लिए जा सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं, सारी चीजें उस वक्त ही होंगी। लेकिन तब तक अरविंद केजरीवाल परेशान रहेंगे। मोदी सरकार भी भली भांति समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश को राज्यसभा में पलट डालने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लग गए हैं। इस वजह से पहले तो उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और फिर देश यात्रा पर निकल गए, जहां ममता बनर्जी से भी उन्होंने बातचीत कर ली और समर्थन मांग लिया है। तो क्या इसके अब साइड इफेक्ट शुरू हो रहे हैं और इसी को लेकर अब दोबारा से उन्हें समन जारी कर दिया गया है? कि जिला की अदालत के द्वारा कहा यह गया है कि अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने गुजरात यूनिवर्सिटी पर व्यंग किया, व्यंग करने के कारण गुजरात यूनिवर्सिटी की छवि खराब हो रही है
और वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अब इन्हें पेश होकर अपनी बातें रखनी होगी, माफी मांगने का भी विकल्प दिया जाएगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल नहीं झुके तो क्या राहुल गांधी की तरह उन्हें भी अपनी विधायकी से और आम आदमी पार्टी के जो सांसद संजय सिंह हैं उनको अपनी सांसदी से हाथ धोना पड़ सकता है? तमाम ऐसे गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो क्या होगा इस संबंध में, हम खबर को जरा डिटेल में आपको बताते हैं कि जयेश भाई ने क्या कहा है, क्या हुआ है। न्यूज 18 ने हेडलाइन में लिखा है, पहले 25,000 जुर्माना और अब पेशी का आदेश, पीएम मोदी की डिग्री मांग फंसे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह भी तलब। न्यूज 18 ने जानकारी दी है, अहमदाबाद की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनके कथित व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों के लिए आपराधिक मानहानि की शिकायत में 15 अप्रैल को एक सम्मन जारी किया गया। अहमदाबाद के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश भाई चौबाटिया की अदालत ने आपके दोनों नेताओं को 23 मई को तलब किया था। गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल की एक शिकायत पर यह देखने के बाद कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मामला बनता है, कोर्ट ने केजरीवाल और संजय सिंह को सम्मन भेजा था। लेकिन इस सम्मन में स्थिति स्पष्ट नहीं थी, तो ऐसे में यहां पर फ्रेश समन जारी किया गया और फिर इसे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को दे दिया गया। 7 जून को इस मामले में दोबारा से सुनवाई होगी, दोनों को पेश होना होगा। लेकिन यहां पर देखिए कोशिश किस तरीके से की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर कह के इस केस में संबोधित नहीं करें। यह मामला व्यक्तिगत है, उन्होंने जो टिप्पणी की है उस आधार पर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल का ही नाम लिखें, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल नहीं लिखें। क्या जानकारी दी गई जरा देखिए, इसमें कहा गया है कि अदालत ने मामले के वाद टाइटल में केजरीवाल के नाम से मुख्यमंत्री शब्द हटाने का भी आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि ये बयान उन्होंने निजी तौर पर दिए थे। केजरीवाल और सिंह ने यह टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के उस आदेश को रद्द करने के आदेश के बाद की थी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन दोनों ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्विटर हैंडल पर अपमानजनक बयान दिए। शिकायतकर्ता ने कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणियां मानहानिकारक हैं और संस्थान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती हैं, जिससे जनता के बीच अपना नाम कायम किया है। तो यूनिवर्सिटी अब आहत महसूस करने लगी, वजह कुछ भी हो, गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से शिकायत हो, लेकिन केंद्र में कहीं ना कहीं मोदी जरूर दिखाई पड़ते हैं। और उस वक्त क्या कुछ कहा था, जब 25,000 का जुर्माना लगा था अरविंद केजरीवाल पर, तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री देखने की मांग करने पर जुर्माना लग रहा है तो क्या हो रहा है, उनकी पूरी टिप्पणी क्या थी, आम आदमी की तरफ से क्या कहा गया था, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। आप, मैं आपको एग्जैक्ट बयान बता रहा हूं, इसमें लिखा गया है, अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दी क्यों नहीं जा रही, गुजरात और दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे हैं, डिग्री इसलिए नहीं दे रहे हैं कि डिग्री हो सकता है फर्जी हो। अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े, गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो गुजरात यूनिवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया, वो डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री को सही साबित करने में जुट गई। तो देखा आपने, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट वही था। अब इसी को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है ताकि मानहानि केस इतना बड़ा हो जाए कि इससे अब मोदी जी की जगह गुजरात यूनिवर्सिटी अपने ऊपर ले, इस व्यंग को अपने कलेजे पर ले और फिर आगे मामला इतना तूल पकड़े कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की हो सकता है इस मामले में सदस्यता चली हुई जाए, सजा मिल जाए 2 साल की। कोर्ट ने जो कहा है उनके स्टेटमेंट को समझकर भी आप भविष्य भाप सकते हैं। कोर्ट ने कहा, यह स्वाभाविक है कि आरोपी लोगों के बयानों के कारण जो लोग गुजरात विश्वविद्यालय का श्रेय जानते हैं और वे सभी लोग जो गुजरात विश्वविद्यालय को नहीं जानते हैं, गुजरात विश्वविद्यालय के प्रति अविश्वास विकसित करेंगे।
इस मामले में न्यायालय के और भी स्टेटमेंट को समझना जरूरी है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि यदि राजनीतिक पदाधिकारी अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के बजाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी व्यक्तिगत शत्रुता या स्वार्थ के लिए विरोधियों या उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कार्य करते हैं, और यदि वे ऐसा कोई शब्द कहते हैं, उन शब्दों को लोगों द्वारा रखे गए भरोसे का उल्लंघन माना जाएगा और बोले गए शब्दों को व्यक्तिगत माना जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से मामले को मोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक प्रधानमंत्री मोदी जी से डिग्री देखने की मांग कर लेना इतना बड़ा गुनाह कैसे हो सकता है, और इससे पूरी यूनिवर्सिटी आहत क्यों महसूस कर सकती है। अगर मांग की गई है तो अगर ये 2 मिनट का काम हो सकता है डिग्री दिखा देना, फिर भी इस मामले को इतना तूल दिया गया। पहले तो हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगा दिया, वहीं दूसरे तरफ यहाँ देखिए अब गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से मामले को अदालत में ले जाया गया है, और पूरी कोशिश है कि कैसे गुजरात की अदालत में 2 और ऐसे नेताओं की सांसदी और विधायकी चले जाए, ताकि कोई चीफ मिनिस्टर ना रहे, कोई सांसद ना रहे, यही कोशिश हो रही है। अब इस देश में हमारी सरकार ही आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और इस संबंध में कपिल सिब्बल का एक ट्वीट भी आप देख सकते हैं, जो कि ऐसे ही विवाद पर एक आईना दिखाने के जैसा है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर इसमें कपिल सिब्बल ने ट्वीट में क्या लिखा। कपिल सिब्बल ने लिखा अमित शाह को कोट करते हुए, इंसल्ट टू पीएम इज इंसल्ट टू कंट्री, अमित शाह का स्टेटमेंट है। अमित जी, माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट पीएम वर्क्स फॉर द कंट्री, पीएम इज नॉट द कंट्री। जस्ट एज गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द कंट्री, गवर्नमेंट इज नॉट द कंट्री। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई इंसल्ट करता है तो वह देश के अपमान जैसा है। वहीं अमित जी को समझाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, बहुत ही सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने कहा जहां तक मेरी संविधान की समझ है वो यह है कि प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते हैं, प्रधानमंत्री देश नहीं है। ठीक उसी तरीके से सरकार देश के लिए काम करती है, लेकिन सरकार ही देश नहीं है, इस फर्क को समझना पड़ेगा। ऐसे में जब एक दौर चल पड़ा है कि आलोचना से तिलमिलाने वाली सरकार किसी की विधायकी और सांसदी छीन लेने को आमदा हो जाती है, तो इसी तरीके से अदालतों से आदेश भी जारी होते हैं, और उस वक्त ऐसे ही मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के बीच में कई नेताओं की सांसदी और विधायकी चली जा रही है। जैसे राहुल गांधी की गई है, तो क्या अब बारी अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह की है। देखना होगा 7 जून को जब पेशी होगी तो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।